जिंदगी में किसी पर्पस के आधार पर एक्ट करने में और पर्पसलेसली एक्ट करने में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। पर्पसलेसनेस से एक्ट करना एक तरीके से स्पॉन्टेनियस एक्ट होता है, एक ऐसा तरीका जो कि गोल ओरिएंटेड नहीं होता, पर जिसे एटलीस्ट जिंदगी जीने का एक जेन्युइन तरीका कहा जा सकता है। हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी ऐसे इंसान से जरूर मिले होंगे जो बिना फनी होने की कोशिश के बाद भी जेन्युइनली फनी होता है, पर जैसे ही ऐसा इंसान ये समझ जाता है कि उसकी बातों से लोग हंस रहे हैं, लोग उस पर ध्यान देने लगे हैं, तब वो इंसान डेलिबरेटली उस बिहेवियर को रिपीट करने की कोशिश में लग जाता है। और फिर कुछ टाइम बाद हम ये पाते हैं कि अब वो इंसान कंपैरेटिवली उतना फनी नहीं रहा। पर ऐसा क्यों हुआ, जरा सोच के देखिए। शायद इसलिए क्योंकि अब कॉन्शियसली उसकी कोशिश है फनी होने की, जबकि पहले उसकी ऐसी कोई भी डिजायर नहीं थी कि उसे फनी होना है, लोगों को हंसाना है। वो बस खुद को नेचुरली एक्सप्रेस कर रहा था, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी गोल के। पर अब उस इंसान का गोल है फनी होने का, और ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने का, और शायद इसी के चलते वो एक नेचुरल फ्लो स्टेट टूट जाता है। कोई भी ऐसा काम जो एक सेंस ऑफ पर्पसलेसनेस से हो रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक होता है, और उसमें एक मैजिक होता है, उसमें एक नयापन होता है, एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। ऐसा कोई भी काम एक सेंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी से एक्सप्रेस किया जा रहा होता है। इसमें किसी भी तरीके का कोई एंटिसिपेशन नहीं होता, किसी तरीके के किसी रिवॉर्ड के लिए इसे नहीं किया जाता, ना किसी वैलिडेशन के लिए और ना ही किसी को इम्प्रेस करने के लिए। ये ऐसा तरीका होता है जीने का जो प्योरली पॉइंटलेसनेस की इनेट ड्राइव से मोटिवेटेड होता है। काफी वक्त पहले के एक स्पिरिचुअल फिलोसोफर एलन वॉट्स ने एक टर्म कॉइन की थी जिसे कहते हैं पर्पसलेसनेस। उन्होंने इसे दाओइस्ट कॉन्सेप्ट जिसे वूवी कहा जाता है से लिया था। वूवी का अर्थ है नॉन डूइंग या एफर्टलेस एक्शन। एक बहुत पुरानी कहानी है भालू और शिकारी की, जहां शिकारी भालू का शिकार करने की कोशिश करता है अपनी कुल्हाड़ी से, पर वो भालू हर बार पहले से ही शिकारी के अगले मूव को जान जाता है और बचता रहता है, क्योंकि वो शिकारी के हर अगले मूव को पहले से ही प्रिडिक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो शिकारी कभी भी अपने डेलिबरेट एफर्ट से उस भालू को मार नहीं पाता। उसके लिए ये काम जैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और ऐसी ही कुछ फेल्ड कोशिशों के बाद में जब वो शिकारी गिव अप कर देता है और फ्रस्ट्रेशन में यहाँ वहाँ फालतू में ही कुल्हाड़ी को चलाने लगता है, वैसे ही अचानक से उसकी कुल्हाड़ी का अगला सिरा टूट कर बाहर निकल जाता है और सीधा भालू को जा लगता है, और इस तरीके से भालू मर जाता है। अब क्योंकि शिकारी ने ये डेलिबरेटली जानकर प्लानिंग करके नहीं किया, तो उसके दिमाग में इसके रिगार्डिंग कोई भी थॉट नहीं था, तो वो भालू भी इस अनप्रिडिक्टेबल स्टेप को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। जरा सोच के देखिए, क्या पानी का कोई पर्पस होता है? पानी हमेशा अपने नेचुरल कोर्स को फॉलो करता चला जाता है। जब कभी भी पानी को बहने दिया जाता है वो बस बहता रहता है, और जैसे ही पानी को बहने से रोक दिया जाता है तब वो बस स्टिल हो जाता है। पानी का अपना कोई पर्पस नहीं होता, ना ही कोई गोल होता है, फिर भी पानी जहां से भी होकर निकलता है उस जगह को नरिश करता हुआ चलता है, और अगर उसके रास्ते में किसी भी तरीके की कोई शार्प या हार्ड चीज आए तो वो उन्हें इरोड करता हुआ चलता है। पानी जिंदगी का एक सोर्स है। पर्पसलेसनेस एक गहरी मेडिटेशन की तरह है। मेडिटेशन का भी कोई पर्पस नहीं होता। मेडिटेशन में हम बस चुपचाप अपने थॉट्स को देखने का काम करते हैं, बिना खुद को उन थॉट्स में उलझाए हुए। हम अक्सर मेडिटेशन को अपने दिमाग को शांत करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर हम अपने माइंड को फोर्सफुली काम करने की कोशिश करें, डेलिबरेटली शांत करने की कोशिश करें, अगर कामनेस और रिलैक्सेशन का कोई गोल बना लें, तो हम पाएंगे कि मेडिटेशन अपना काम करना बंद कर देती है। हम अपने आप को सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर जोर जबरदस्ती से शांत नहीं कर सकते। यहां पर जो सीक्रेट है वो ये है कि हम इसे फोर्स ना करें, बल्कि गोल को भूल जाएं और बस अपना काम करते रहें। और जैसे ही मेडिटेशन करने वाला मेडिटेशन के गोल को भूल जाता है, तब कहीं जाकर माइंड शांत होना शुरू होता है अपने आप ही, खुद ब खुद। और शायद सेम चीज अप्लाई होती है क्रिएटिविटी के लिए भी।
हमने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि अक्सर यूनिक क्रिएटिव आइडियाज पर्पसलेसनेस से पैदा होते हैं, अपने आप ही कहीं से निकलकर हमारे दिमाग में दाखिल हो जाते हैं। और बहुत बार ये आइडियाज हमें तब आते हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बस रिलैक्सेशन की एक स्टेट में होते हैं। जैसे कभी भी सुबह या शाम के वक्त हम एक लंबी वॉक पर निकले हुए होते हैं, या कभी जब हम शावर ले रहे होते हैं, या ऐसे ही बस बिस्तर पर लेटे पड़े होते हैं। हम क्रिएटिविटी को फोर्स बिल्कुल नहीं कर सकते, पर हम ऐसा एनवायरनमेंट या सिचुएशन जरूर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें पर्पसलेसनेस का भाव निहित हो और जहां हमारी क्रिएटिविटी ग्रो हो सके अपने आप ही। इमेजिन कीजिए कैसे एक म्यूजिशियन को अपने इंस्ट्रूमेंट पर खेलते खेलते अचानक से ही एक नई ट्यून का आइडिया आ जाता है, तब जब वो ऐसे ही बिना किसी स्पेसिफिक गोल के प्रैक्टिस कर रहा होता है। कैसे एक पेंटर अचानक से एक मास्टरपीस बना देता है, वो भी तब जब वो खाली किसी कैनवस पर ऐसे ही फ्री स्टाइलिंग कर रहा होता है। और ऐसा ही क्या हम जिंदगी के बारे में कह सकते हैं? क्या जिंदगी किसी खास पर्पस के लिए है, या फिर ये ऐसे ही पर्पसलेस है? क्या हम सभी इस असीमित ब्रह्मांड के इस प्लैनेट अर्थ पर किसी कलेक्टिव गोल की तरफ बढ़ने के लिए हैं, या फिर जिंदगी बिल्कुल ही मीनिंगलेस है? अगर कोई एक कलेक्टिव गोल है तो वो गोल क्या है, और कौन है जो वो गोल डिसाइड करता है? क्या इसके बारे में बाइबल में लिखा है, या शायद कुरान में, या कहीं गीता में इसका जिक्र हो? आखिर कहां लिखा हुआ है? क्या हमें सोरेन किर्केगार्ड की तरह एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए और धार्मिक हो जाना चाहिए, या फिर हमें अल्बर्ट कामू के बिलीफ को एम्ब्रेस करना चाहिए जो मानता था कि लाइफ टोटली मीनिंगलेस है और बिल्कुल ही एब्सर्ड है? क्या हम इंसान सच में इस मीनिंगलेस दुनिया में एक मीनिंग ढूंढने का काम तो नहीं कर रहे? और अगर किसी तरीके से जिंदगी की मीनिंगलेसनेस को एम्ब्रेस कर सकें, तो क्या हमारा हर बिहेवियर बहुत हद तक जेन्युइन हो सकता है क्या? क्या फिर सही मायने में हम वो बन सकते हैं जो हम असल में अंदर से हैं? और शायद हम सभी अच्छे काम सिर्फ इसलिए तो नहीं करते ताकि हमें मरने के बाद एक अच्छी जिंदगी नसीब हो सके, या कोई रिवॉर्ड जो हमें मरने के बाद मिलने वाला है। शायद हम में से बहुत से लोगों के लिए ये बात बिल्कुल सही भी हो, किसे पता। क्या धार्मिक लोग प्रेयर करना बंद कर देंगे अगर उन्हें उनके द्वारा की हुई सभी कोशिशें मीनिंगलेस लगने लगे, या फिर वो सभी लोग फिर भी वो सब कुछ करते रहेंगे जैसे करते हुए आए हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग देम, या फिर किसी डर के कारण, किसे पता। क्या हम जो कुछ भी करते हैं उसमें कुछ भी मीनिंग ढूंढने जैसा रह जाता है, तब जब हम अपनी कोशिशों में से पर्पस को बिल्कुल रिमूव करते हैं? या शायद हम मॉडर्न दुनिया के सिसिफस ही तो नहीं, जैसा अल्बर्ट कामू ने अपनी किताब द मिथ ऑफ सिसिफस में कहा था, और हमारी एग्जिस्टेंस का कुल मतलब बस एक बड़े से पत्थर को नीचे से पहाड़ी के ऊपर चढ़ाना भर तो नहीं, जो वापस गिरकर नीचे ही आता रहेगा और हम इसी सर्कल में घूमते जाएंगे। शायद हमारा एग्जिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हो ही नहीं, बल्कि ये साइक्लिक नेचर का हो, जिसमें हम बस गोल गोल चक्कर ही लगाते रह जाते हैं, बार बार वही करते रह जाते हैं जो हमने पहले भी किया है, या हमसे पहले जो सेम बाकी लोग भी करके चले गए हैं जिन्हें अब कोई याद नहीं रखता। और अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये है कि इस असीमित ब्रह्मांड में हमारे एग्जिस्टेंस का गोल आखिर क्या है? क्या गोल सिर्फ एग्जिस्टेंस ही तो नहीं? अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे कलेक्टिव पर्पस के होने का कोई कॉन्क्रीट प्रूफ हमारे पास नहीं है, ना इंसानी सभ्यता का, ना ही इस ब्रह्मांड का। पर अगर ये मान भी लें कि ऐसा कोई पर्पस है, तो तब क्या होगा जब उस पर्पस तक हम पहुंच जाएंगे? क्या तब हमें कोई और पर्पस मिल जाएगा? पर फिर ये पर्पस हमें देगा कौन? और अगर कोई भगवान है जो हमें पर्पस देगा, तो फिर सवाल ये है कि उस भगवान का पर्पस क्या है? पर्पसलेसनेस का अर्थ है जिंदगी में ये ना पूछना कि जिंदगी हमें कहां लेकर जा रही है, और पूरे तरीके से खुद को आज और अभी इसी मोमेंट में पूरा का पूरा झोंक देना। इसका अर्थ है कि अपने फ्यूचर की चिंताओं से बाहर आना और अपने दिमाग में पास्ट को लेकर ना सोचते रहना। पर क्या एक पर्पसलेस जिंदगी हमारे लिए सेफ है? शायद नहीं। क्या ऐसी जिंदगी हमारे लिए सिक्योर है? शायद नहीं। क्या इससे हम मिलियनियर या बिलियनियर बन जाएंगे? क्या हमारे बड़े बड़े बैंक अकाउंट्स होंगे ऐसी जिंदगी जीकर?
शायद बिल्कुल भी नहीं, पर किसे पता है, शायद ये सब हो भी जाए। शायद सच तो ये है कि कोई नहीं जानता जिंदगी हमें कहाँ लेकर जा रही है। शायद हम सब बस अपने अपने अनुमान ही लगाते रह जाते हैं जिंदगी के बारे में, कुछ भी मानकर बैठ जाते हैं ताकि हम खुद को उस सेंस ऑफ अननोन से दूर रख सकें, खुद को एक ऐसी कहानी सुना सकें जिस पर विश्वास करना थोड़ा आसान हो। शायद इन सभी सवालों का कोई एक आंसर हो भी ना, या शायद हम सिर्फ अपने खुद के एक्सपेरिमेंट से ही जान सकेंगे कि एक दिन हम कहाँ जाकर खड़े होंगे। शायद हम ये सोचकर गलती करते हैं कि एक दिन हम वो कर लेंगे जो हमें करना है, जबकि शायद उस एक दिन के इंतजार में हम जिंदगी को पल पल खो रहे हैं। वो सभी पल जिसमें हम भले ही कितने ही छोटे तरीके से ही सही, पर वो कर सकते हैं जो हम सच में करना चाहते हैं, और ऐसा करते करते एक दिन वो बन सकते हैं जो हमें सच में बनना है।